नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इरिथ्रोमाइसिन ड्रग के बारे में। दोस्तों इरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है जो कि मैक्रोलिड्स ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। दोस्तों ये जो इरिथ्रोमाइसिन होती है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक वाइड रेंज में अपना इफेक्ट दिखाती है बॉडी में। जैसे किसी कोई भी पर्सन की बॉडी है तो उसमें बहुत बड़े एरिया में बहुत वाइड रेंज में अपना जो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है वो शो करेगी। तो मतलब ये जो अपने शरीर में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे ब्लड इन्फेक्शन हो या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, कॉमनली तो इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में काम में ली जाने वाली एक ड्रग है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो गया या फिर कोविड-19 हो गया या फिर फ्लू इन्फेक्शन हो गए, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई भी इन्फेक्शन है उन सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली एकमात्र ये दवा है। दोस्तों ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया अपनी बॉडी में या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया, जैसे फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडियासिस हो गया, कैंडिडा एल्बिकेंस हो गया, या फिर वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड्स हो गया, जैसे खांसी जुकाम नॉर्मली अपने होता है और राइनो वायरस की वजह से होता है, तो इन सारी सिम्टम्स को या फिर इन सारी डिजीज कंडीशन को ठीक नहीं करेगी ये दवा, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल दवा है। इनको ठीक करने के लिए एंटी फंगल दवा की जरूरत है या फिर एंटी वायरल दवा की जरूरत है। दोस्तों अब बात कर लिए अपन इरिथ्रोमाइसिन ड्रग के बारे में, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। काफी पर्सेंट्स में अगर नॉर्मल डोज से ज्यादा दे देते हैं या फिर बच्चों को ज्यादा डोज दे देते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस रहते हैं। तो साइड इफेक्ट्स एज यूजल ज्यादा सीरियस होते नहीं है इसके। अगर साइड इफेक्ट्स कभी आते हैं तो नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, जी घबराना या फिर उल्टी हो सकती है पेशेंट में, कभी कभी डायरिया भी देखा जा सकता है, जैसे दस्त लग सकते हैं या फिर स्टोमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है या फिर भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन हो सकती है पेशेंट में। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको इरिथ्रोमाइसिन ड्रग अपन नहीं दे सकते। तो दोस्तों जिस किसी भी पेशेंट के या फिर पर्सन के लीवर की प्रॉब्लम हो या फिर लीवर फेलियर हो या फिर किडनी फेलियर हो, रीनल फेलियर जिसको बोलते हैं, या फिर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट स्टेट में हो या फिर लैक्टेटिंग स्टेट में, जैसे कोई लेडी है वो बच्चे को जन्म देने वाली हो या फिर बच्चे को जन्म देने के बाद दूध पिलाने वाली मदर हो, उनको इरिथ्रोमाइसिन ड्रग का उपयोग नहीं देना चाहिए विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंट के, क्योंकि ये प्रेग्नेंट लेडी में या फिर लैक्टेटिंग मदर में ये टेटोजेनिक इफेक्ट कर सकती है। और अगर लीवर फेलियर या फिर रीनल फेलियर वाले पेशेंट इसको लेते हैं तो उसमें फैटल इफेक्ट्स या फिर लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स शो कर सकती है ये ड्रग, तो इसलिए इसको नहीं देना चाहिए। और कभी लेने भी पड़े तो अपने आप से कभी भी ना दें, डॉक्टर के कंसल्ट से ही हमेशा दें, डॉक्टर के परामर्श से ही हमेशा ये दवाई दें। दोस्तों कभी कभी कई पेशेंट्स में हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन देखी जाती है इरिथ्रोमाइसिन की। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे कोई भी बंदा इरिथ्रोमाइसिन ड्रग ले रहा है तो ड्रग लेते ही उसके 5 या 7 मिनट में 10 मिनट में उसकी पूरी बॉडी में इचिंग होने लग जाएगी, रेडनेस आने लग जाएगी या फिर फ्लो ऑफ म्यूकस फ्रॉम द नोज, या फिर पूरी जो आंखें है वो नमी नमी वॉटरी आईज हो जाएगी या फिर छींके चलने लग जाएगी, ये साइन होते हैं हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की। तो अगर ये साइन आते हैं उस पेशेंट में तो उस पेशेंट को ये ड्रग तुरंत होल्ड कर देनी चाहिए और जब तक डॉक्टर से कंसल्ट ना कर ले, जब तक डॉक्टर वापस उसको बोल ना दे कि कंटिन्यू करो, तब तक उस दवा को कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि ये आप में फैटल इफेक्ट्स या फिर लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स शो कर सकते हैं जो कि इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।